dreams, yeah, in my अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी फैज़ान। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ पाकिस्तान की एक आप कह लें सबसे बड़ी बस कंपनी डाइवो एक्सप्रेस के फ्लीट के बारे में। और ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई है लेकिन ये 2022 वेरिएंट आपके लिए आ चुका है। डाइवो ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की हैं, कौन कौन सी बसेस नई लेकर आए हैं और अब किस तरह का फ्लीट इनका पाकिस्तान में वर्क कर रहा है, तो उसकी आपको इस वीडियो में डिटेल्स दी जाएंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। आज के लिए इसकी पहली डाइवो की नई बस की बात की जाए तो वो गोल्डन ड्रैगन कंपनी की ट्राइम सीरीज़ की बसेस कुछ ही अर्सा पहले डाइवो ने अपने फ्लीट में ऐड की, जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन 20 यूनिट्स इनके पास आए। और अब ये पाकिस्तान में अगर चलने की बात करें तो काफ़ी अच्छी चल रही हैं, लाहौर से मुल्तान के रूट पे और कुछ कराची के रूट्स पे। ये बस देखने में काफ़ी खूबसूरत और एक सॉलिड बस है। ये गोल्डन ड्रैगन कंपनी, इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ तो ये पाकिस्तान में पहले भी चल रही है और चंद एक ही कंपनीज हैं, स्पेसिफिक कंपनी हैं जो कि इनको ऑपरेट कर रही हैं और बड़ी अच्छी बसें हैं, मुझे तो पर्सनली पसंद है। तो इससे पहले डाइवो के पास बहुत बड़ा फ्लीट है ड्रैगन कंपनी का, तो अब ये भी इनके फ्लीट में ऐड हुई है जो कि अंदर से गोल्डन कलर की लुक में आती हैं और बड़ी खूबसूरत बसेज हैं। अब सेकेंड नंबर पे डाइवो ने अपने फ्लीट में जो बस को ऐड किया उसके बारे में अगर आपको बताता चलूँ तो वो यूटोंग नोवा की थी। यूटोंग नोवा, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में यूटोंग कंपनी सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल है, मतलब इनकी बसें सबसे ज़्यादा रोड्स पे आपको देखने को मिलती हैं, हर दूसरी से तीसरी बस इन्हीं की होती है। तो इनका पहले जो वेरियंट था डबल ग्लास का वो बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ था, डाइवो के पास वो भी है। इसके अलावा ये यूटोंग नोवा की काफ़ी बड़ी फ्लीट डाइवो के पास आ चुकी है और आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये भी एक अच्छी बस है अभी तक जहाँ तक मतलब सारों का एक्सपीरियंस रहा है। तो ये भी डाइवो ने ऐड की है, तो ये मुझे यूटोंग के पहले वाले वेरिएंट से थोड़ी मतलब इम्प्रूव्ड लगी है। और इसका जो एक्सटीरियर है वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, बहुत ही एक खूबसूरत बस है। इंटीरियर वाइज भी पिछले मॉडल्स की नस्बत काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं, तो ये डाइवो ने अच्छा किया है कि यूटोंग को भी ऐसे अपने फ्लीट में ऐड करना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि डाइवो कंपनी, नाम डाइवो कंपनी है तो इसमें चाइनीज़ ब्रांड्स को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, क्योंकि डाइवो के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। डाइवो अगर मतलब डाइवो के प्रोडक्ट्स कोई लेके आना चाहता है तो इनको चाहिए कि कोई मतलब अपर एंड के वेरिएंट्स लेके आए, लेकिन वो ये लेके आ नहीं रहे, तो फिर आपको यहाँ पे बजट में रहते हुए यूटोंग की प्रोडक्ट्स ही मिलती हैं, तो उस हवाले से ये प्रोडक्ट ठीक। तीसरे नंबर पर आती है स्लीपर बस। स्लीपर बस वो बस है जिसने डाइवो को एक मतलब एक और ज़्यादा पहचान दे दी है। ये बसेस जो स्लीपर बसेज हैं ये पाकिस्तान में बलोचिस्तान वाली साइड पे, कराची वाली साइड पे चलती थी, कराची कोटा रूट इनका बहुत ज़्यादा फेमस था, हर दूसरी कंपनी स्लीपर दे रही थी। लेकिन पंजाब वाली साइड पे यहाँ से आपको जो कराची वाली साइड पे बसेस लेके जाती हैं कोई भी स्लीपर बस ऑपरेट नहीं कर रही थी, तो डाइवो वाइट कंपनी थी, पहली कंपनी थी जिसने पंजाब में स्लीपर इंट्रोड्यूस करवाई। और लाहौर से कराची इनकी स्लीपर बस की इतनी डिमांड है कि पहले एक चली थी अब दो हो गई हैं और फुल जा रही होती हैं, फुल पैक जा रही होती हैं, सीट बड़ी मुश्किल से मिलती है। अब इन्होंने उसको मतलब जब देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब हुई है तो अब इन्होंने उस बस को इस्लामाबाद से कराची के रूट पर भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो कि मार्च 17 डेट को वहाँ से चली है। तो वो भी एक मतलब एक अच्छी चीज़ है डाइवो की तरफ से, यहाँ पे डाइवो को मैं अप्रिशिएट करूँगा। मैंने खुद ट्रैवल किया था कराची से लाहौर 5-6 महीने पहले की बात है, तो मुझे बहुत मज़ा आया था। मैंने पाकिस्तान के ऑलमोस्ट जितनी भी बसेस पर सफ़र किया है मुझे अभी तक जो सफ़र करने का सबसे ज़्यादा मज़ा आया था वो डाइवो के स्लीपर बस पर आया था, क्योंकि पूरा मैट्रेस है। जो बलोचिस्तान वाली साइड पर हैं वो मतलब डिफरेंट टाइप की होती हैं, उनमें सीट को उन्होंने लंबा किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैट्रेस है तो आप सो के सफ़र करते हैं। तो इन्होंने अपनी पुरानी डाइवो की BH 116-120 को कन्वर्ट किया स्लीपर में, तो ये बहुत ज़्यादा चल रही है। और डाइवो को चाहिए कि और भी डिफरेंट रूट्स पे ले गए, लाइक पेशावर से कराची का जो रूट है वहाँ पे बड़ी पुरानी बसेस चल रही हैं, उसके अलावा और डिफरेंट रूट्स हैं जहाँ पे चाहिए कि स्लीपर आए, क्योंकि स्लीपर इनकी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही ना डाइवो का एक दोबारा नाम क्रिएट कर रही है। जैसे पहले आपको पता होगा कि 90s में जब सबसे पहली कंपनी डाइवो BH 116 लेके आई थी तो बहुत ज़्यादा इनकी यहाँ पे ना मार्केट में नेम बना था, तो वो थोड़ा नेम गिर रहा था, अब दोबारा अप हो रहा है, तो स्लीपर इनकी बहुत एक आप कह लें इनको कामयाबी देने वाली है।
ये तीन बसें हैं जो कि मतलब पिछले कुछ अरसे में न्यू इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। स्लीपर पहले भी चल रही थी लेकिन अब न्यू मतलब तरह से उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब जो बाकी फ्लीट है उसके बारे में थोड़ा आपको बताता चलूँ, तो इनके पास गोल्ड क्लास भी चल रही है जो कि वॉल्वो की बस है मार्को पोलो की, वो भी चल रही है। इनके पास लाहौर से इस्लामाबाद के रूट पे, इसके अलावा हुंडई की बसें चल रही हैं कुछ मुल्तान के रूट पे, फैसलाबाद में भी मैंने देखी थी। इसके अलावा ड्रैगन का बड़ा फ्लीट है इनके पास, यूटोंग डबल क्लास का है, डाइवो BH-116 है। हाँ यहाँ पर मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इनको BH-116 अब ड्रॉप कर देनी चाहिए अपने फ्लीट में से, उसको निकाल देना चाहिए। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो ऐसा ऐसा इसको निकाल रही हैं क्योंकि ये बस का टाइम अब पूरा हो चुका है। ये कुछ जो अच्छी कंडीशन में है वो तो चल जाती हैं, लेकिन मैंने इस पर ट्रैवल किया था, इनकी एक दो बसेज हैं रिसेंटली उस पर ट्रैवल किया था, मेरा इतफाक हुआ था, तो वो ऐसे लग रहा था जैसे आप मतलब किसी झूले पे बैठे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, वो इनको निकाल देनी चाहिए। बाकी इनका जो फ्लीट है वो यही आपके सामने है, इम्प्रूव हो रहे हैं। डाइवो मतलब दरमियान में स्ट्रक हो गए थे, नई बसेस नहीं लेके आ रहे थे, लेकिन अब अच्छा काम कर रहे हैं कि नए ब्रांड्स को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी बात बताता चलूँ कि इनके पास जोंगटोंग की बसेस भी आने वाली हैं, तो वो बहुत अच्छा मूव होगा क्योंकि जोंगटोंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बेस्ट बस मानी जाती है। तो वो जब आएगी तो एक और मतलब यहाँ पे इनको हाइप मिलेगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की वीडियो दूसरी कंपनीज के लिए भी चाहिए, मतलब उनके फ्लीट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, हम उस पर भी बना देंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।